कहते हैं कि जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हर मुश्किल आसान सफर लगने लगती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दमदमा गांव निवासी राम नाम महतो और नीलम देवी के पुत्र आदर्श कुमार ने, जिन्होंने बिहार बोर्ड द्वारा रविवार को जारी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में 488 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आदर्श के पिता राम नाम महतो दिल्ली में मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं, जबकि मां नीलम देवी गृहिणी होने के साथ साथ घर में रहकर ही सिलाई मशीन चलाकर अपने बच्चों को पाल रही है। आदर्श प्रखंड के विद्यापति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ वाजिदपुर का छात्र है, जबकि उसने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी स्टडी पॉइंट नामक एक निजी शिक्षण संस्थान से की है। आदर्श ने बताया कि पिताजी दिल्ली में मजदूरी करते हैं, माँ भी सिलाई कढ़ाई करती है। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई लिखाई में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन परिवार के साथ ने मनोबल टूटने नहीं दिया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे चाचा ने मेरी काफी मदद की। मुझे मेरे चाचा ने ही अपनी कोचिंग में पढ़ाया। मेरी सफलता के पीछे मेरा आत्मबल, माता पिता का सहयोग और चाचा का आशीर्वाद है। आदर्श ने कहा, मैं IIT जाकर वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामनाथ महतो है, मेरी माताजी श्रीमती नीलम देवी है, मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ है और टेलर भी है। मेरा मैं स्टार्ट टॉप किया हूँ और मैं स्टेट में सेकेंड रैंक है। मेरा अंक है 488। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कहाँ से किए थे? पढ़ाई ऑफलाइन भी किए थे, सेल्फ एजुकेशन, और ऑनलाइन लास्ट टाइम में क्लास की थी। सबसे बड़ा हासिल करने में किसका योगदान? मेरे माता पिता और मेरे चाचा जी।